भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। हार्दिक अभिनंदन लीजिएगा, मेरा नाम काविंद्र चौहान है, आप भारत एट नाइन देख रहे हैं। आज पूरा देश जन्माष्टमी का पर्व मना रहा है, जन्माष्टमी का त्योहार मना रहा है। चारों तरफ हर्षोल्लास, सब खुश हैं, लेकिन हम अपने अभियान पर कायम। आज श्री कृष्ण की बात हो रही है, आज मामा कंस की भी बात हो रही है, लेकिन हम समाज में फैली उन बुराइयों पर कायम है, उन पर बात कर रहे हैं, उन पर चोट कर रहे हैं। आज एक बार फिर अपने महाअभियान की शुरुआत करने से पहले बता दूं कि आज दो चीजों को अलग अलग करना बहुत जरूरी है, आज एक रेखा खींचना बहुत जरूरी है, और वो रेखा है फेमिनिज्म और नारी शक्ति के बीच। वो रेखा है सूट बूट डेंट पैंट टाई पहनकर अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करके समाज के बीच बुराइयों का प्रचलन करना, और एक तरफ है एक घर जिस घर में एक नारी रहती है, वो पढ़ाई लिखाई करती है, घर का चूल्हा करती है, घर में रहकर अपनी मां की सेवा करती है, अपने पिता की सेवा करती है, अपने पति का साथ देती है, और इन दोनों महिलाओं के बीच अंतर है। मॉडर्नाइजेशन ने हमको कितना भी बदल दिया, लेकिन मॉडर्न महिलाएं भी अपने पति के साथ कदम ताल करती हैं, अपने पति का सपोर्ट करती हैं, अपने मां बाप की सेवा करती। मॉडर्नाइजेशन का मतलब यह नहीं होता कि वो अपने पति को कम आके, अपने साथी को कम आके, अपने साथी को उल्टा चमाट रखने की हिम्मत रखें, या फिर चमाट मारने की कोशिश करें या शुरुआत करें, या फिर अपने माता पिता को अपने साथ ना रखें, सोलो रहें, सोलो ट्रिप पर जाएं, सोलो घर लें, सब सोलो सोलो सोलो। लेकिन जो आज का मुद्दा है वो इस रेखाओं को खींचेगा और आपको बताएगा कि कैसे फेमिनिज्म की आड़ में एक ऐसी सोसाइटी बनाने की कोशिश की जा रही है जो पैट्रियार्कल तो है लेकिन महिलाओं के हितों को देखते हुए। यहां पर महिलाएं एक छत्र राज करने की किस मंशा को आगे बढ़ा रही हैं, इसको समझाने की कोशिश करें, और किस तरीके से नारी शक्ति जो भारत की मूल भावना है, जहां पर नारियों को बढ़ावा देना, उनका एम्पावरमेंट करना, उनको समाज में एक ऐसी पोजीशन पर लाकर खड़ा करना कि जिससे वो इंडिपेंडेंट वुमेन बन सके, जिससे वो समाज में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें और आगे बढ़ सकें। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज भी 2021 में जब हम अगस्त खत्म होने को है, तब ऐसे में इस मुद्दे को उठाना पड़े। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जब 2021 का अगस्त खत्म होने को है, तब आज से एक महीने पहले हुई घटना को आज भी डिस्कस करने की जरूरत पड़े। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब 2021 का अगस्त खत्म होने को है, तब आज 6 महीने पहले हुई घटना को डिस्कस करने की जरूरत पड़े। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 2021 का अगस्त है जो अपने आखिरी पड़ाव पर है, वहां पर 5 साल पहले हुई घटना को डिस्कस करने की जरूरत पड़े। मैं बात कर रहा हूं प्रियदर्शिनी के मैटर की, जिसको 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन ना तो गिरफ्तारी हुई है, ना कोई अपडेट है, ना पुलिस बोलने को राजी है। मैं बात कर रहा हूं 6 महीने पहले हुई उस घटना की, जहां पर बेंगलुरु में एक लड़की जोमैटो डिलीवरी बॉय पर यह इल्जाम लगाती है कि उसने उसके साथ हाथापाई की। बाद में यह फ्लेक केम साबित होता है, लेकिन आज भी वो लड़की खुला घूम रही है और बेंगलुरु से उड़कर अब वो महाराष्ट्र पहुंच चुकी है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मुझे बात करनी पड़ रही है आज सरबजीत के मैटर की, क्योंकि सरबजीत वो एक पुरुष है जिसने पूरे देश की आंखें खोली। जैसे निर्भया कांड ने पूरे देश की एक मुद्दे को लेकर आंखें खोल दी, वैसे ही सरबजीत भी एक पोस्टर बॉय है, जहां पर एक महिला उस पर गलत आरोप लगाती है और उस गलत आरोप के चलते उसको उसकी नौकरी खोनी पड़ी, उसको सामाजिक कितना प्रताड़ना झेलनी पड़ी, उसको नौकरी गंवानी पड़ी, तमाम मीडिया कर्मियों ने उसके सर पर माइकों को दे मारा और उससे पूछा कि हे परवर्ट हाउ यू फीलिंग। तो दोस्तों,
आज इस रेखा को बताने की जरूरत है कि हमारी देश एक तरफ अवनि लेखरा है जिन्होंने आज जन्माष्टमी पर पूरे देश को आज प्राउड फील कराया है। उन्होंने पैरालंपिक्स में आज गोल्ड मेडल जीता है राइफल शूटिंग और पूरा देश उनको आज खड़े होकर सलाम कर रहा है। यह है हमारी देश की महिलाएं, यह है नारी शक्ति। अवनि लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एट टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स में आज गोल्ड जीता है और उनको पूरा देश सैल्यूट कर रहा है। वो नंबर 5 की पोजीशन होल्ड करती हैं पूरे विश्व में। और प्रियदर्शनी जैसी लड़कियां, जोमैटो डिलीवरी बॉय पर फेक इल्जाम लगाने वाली लड़कियां और सरबजीत पर झूठा इल्जाम लगाने वाली लड़कियां, ये आज भी नंबर 1 पर है फेक फेमिनिज्म की जब बात। तो दर्शकों, ये वो महिला है, ये वो लड़की है जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो महज 19 साल की है। नाम है अवनि लेखरा। अवनि लेखरा ने आज पूरे देश को प्राउड फील कराया है। आज 19 साल की इस लड़की की वजह से पूरा देश सैल्यूट कर रहा है अवनि को, क्योंकि अवनि ने 10 मीटर एयर राइफल में आज देश का नाम ऊंचा किया है। अवनि की तस्वीरें देखिए आप, 19 साल की एक लड़की जो 2021 में पूरे देश को एक ऐसी पोजीशन पर जाकर खड़ा कर देती है कि देश गौरवान्वित हो पड़ता है, एक ऐसी पोजीशन पर लाकर खड़ा कर देती है कि हम सब फख्र से अपना सर ऊंचा कर पाते हैं। तो अवनि लेखरा ने जो कुछ किया है, अवनि लेखरा ने जो कुछ पाया है, वो सब उनकी मेहनत की बदौलत है। आपको बता दूं कि सोमवार को टोक्यो पैरालंपिक्स खेलों की निशानेबाजी प्रतियोगिता में महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल के क्लास SH1 के फाइनल में उन्होंने जगह बनाई थी। अवनि ने इस कॉम्पिटिशन के क्वालिफिकेशन राउंड में 21 निशानेबाजों के बीच 7वें स्थान पर रहकर फाइनल्स में प्रवेश किया था। दर्शकों, उन्होंने 60 सीरीज के 6 शॉट के बाद 621.7 का स्कोर बनाया, जो शीर्ष 8 निशानेबाजों में जगह बनाने के लिए पर्याप्त था। दर्शकों, अवनि लेखरा ने शुरू से आखिर तक निरंतरता बनाए रखी और लगातार 10 से अधिक का स्कोर बनाए रखा और उन्होंने भारत को गोल्ड दिलाया। तो ये अवनि की कहानी, अवनि की कहानी नारी शक्ति की कहानी है, प्रियदर्शनी की कहानी फेक फेमिनिज्म की कहानी है, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, इनकी कहानी नारी शक्ति की कहानी है और हम इस नारी शक्ति की बात करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की वजह से जो फेक फेमिनिज्म का झंडा बुलंद करते हैं, उनकी वजह से उन महिलाओं को शर्मसार होना पड़ता है, उन महिलाओं को संदेह की निगाहों से देखा जाता है जो सच में आज भी समाज में एक स्टेप पीछे हैं। लेकिन ये फेक फेमिनिस्ट, ये सूडो फेमिनिस्ट इस देश की महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती, ये उनकी असली दुश्मन है। जो महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं, बड़े शहरों में आना चाहती हैं, छोटे शहरों से निकलकर तमाम बंदिशों को तोड़कर, तमाम तालों को तोड़कर जो शहर आकर एक बड़ा नाम ऊंचा करना चाहती हैं, जो सब कुछ पाना चाहती हैं, जिनकी उड़ान बड़ी है, जो अपने सपनों को साकार करना चाहती हैं, उन महिलाओं की बाधा, उन महिलाओं की पैरों की बेड़ियां, ये महिलाएं जो सूडो फेमिनिज्म का झंडा बुलंद करती हैं, जिनका सोचना कि नाइट आउट का मतलब होता है नारी शक्ति, जिनका सोचना है कि पुरुषों को पीटना, पुरुषों को दबाना, पुरुषों पर अत्याचार करना नारी शक्ति होता है, जिनको लगता है कि आजादी का मतलब, विमेन एम्पावरमेंट का मतलब होता है कितना अधिक से अधिक हम अपने आप को एक्सपोज कर सके, ये सब छलावा है, ये सब दिखावा है। और यही दिखावा पुरुषों के खिलाफ है,
यही दिखावा उन सभी महिलाओं के खिलाफ है जो दरअसल बेड़ियां तोड़कर उड़ना चाहती हैं। यह उनकी सोच, उनकी उड़ान, उनके सपनों में सबसे बड़ी बाधा है। प्रियदर्शनी, वो जोमैटो गर्ल बेंगलुरु वाली, सरबजीत पर झूठा इल्जाम लगाने वाली लड़कियां भारत की उन लड़कियों के खिलाफ हैं जो हमको आज शीर्ष पर रखती हैं। पीवी सिंधु, मीराबाई चानू और आज अवनी लेखरा, इन लड़कियों ने देश का नाम ऊंचा किया है और इन लड़कियों ने जो फेमिनिस्ट का नाम लेकर उल्टी सीधी हरकतें करती हैं, इन्होंने देश का नाम डुबोया है। जिनको सुडो फेमिनिस्ट के बारे में नहीं पता, वो इन तस्वीरों से, इस पैकेज से, इस रिपोर्ट से देखिए कि दरअसल ये सुडो फेमिनिस्ट होता क्या है। ये रही आपके सामने रिपोर्ट। फेमिनिज्म, ये ऐसा शब्द जो ना सिर्फ आज की तारीख में कई लोगों के लिए सिर का दर्द बन चुका है, बल्कि अधिकतर लोगों को तो इसका असली मतलब भी नहीं पता। और मजेदार बात ये है कि इसमें उनका कोई दोष भी नहीं। आखिर इस फेमिनिज्म शब्द का राज पहले मुर्गी आया या फिर अंडे की ही तरह है, जिसमें लोग ये समझ ही नहीं पाते कि विरोध किस बात का करना है और किसका नहीं। और फिर इस शब्द का लोगों ने इतना बेड़ा गर्क कर दिया है कि अब इसके असली मतलब क्या है, ये खुद ही किसी रॉकेट साइंस की तरह का कठिन सवाल बन गया है। चलिए तो हम सारे झंझट को खत्म कर देते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर फेमिनिज्म वास्तव में है क्या। आप तो जानते ही हैं कि ये स्त्री और पुरुष के बीच के प्राकृतिक अंतर को दरकिनार करते हुए समान अधिकारों की बात करता है। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि चाहे जो भी हो जाए, पुरुष और महिला बराबर है। हालांकि ये उतना भी आसान नहीं है। कभी कभी जब महिलाएं बराबरी की बात करती हैं, तो ये भूल जाती हैं कि हर चीज हमारी ही सुविधा के अनुसार नहीं होगी। हमारी सुविधा अनुसार नियम और शर्तों को लागू नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए फेमिनिज्म शब्द का उपयोग करने से क्या साबित होता है। सुडो फेमिनिस्ट यानी आप फेमिनिस्ट होने का दिखावा करते हैं। हम यहाँ फेमिनाजी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या बातें आपको दिखावटी फेमिनिस्ट बताती हैं, आइए जानते हैं। तो फेमिनिज्म का नाम पर फेक होना बंद होना होगा। फेमिनिज्म का दिखावा करने वाले कभी फेमिनिज्म वाले काम नहीं करते। बहुत मुमकिन है कि आपने शहर में हुए हर विरोध में हिस्सा लिया हो, गले फाड़ फाड़ कर नारे लगाए हो, लेकिन क्या इतने से आप एक फेमिनिस्ट हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ते और सिर्फ अपने दोस्तों के सामने कूल दिखने के लिए फेमिनिज्म शब्द का प्रयोग करते हैं, तो खुद ब खुद आप एक दिखावटी फेमिनिस्ट बन जाते हैं। आपको समान अधिकार चाहिए, है ना? तो फिर क्यों ना इस लड़ाई को हकीकत में लड़ा जाए। सिर्फ कहने भर के लिए बराबरी की लड़ाई लड़ना असली लड़ाई नहीं होगी। गंदगी साफ करने के लिए आपको कीचड़ में उतरना होगा और उसे साफ करना होगा। अपने आसपास के सेक्सिज्म से आंखें मूंद लेना। अगर आप अपने परिवार में, यहाँ तक कि खुद में गहरे तक पैठ जमाए सेक्सिज्म की अनदेखी करते हैं, तो बड़े ही अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ेगा कि आप दिखावटी फेमिनिस्ट हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना होगा कि सेक्सिज्म आखिर है क्या। जब आपका बॉयफ्रेंड या आपके दोस्त आपको कहते हैं कि लड़कियों को गाड़ी नहीं चलानी चाहिए क्योंकि लड़कियां ड्राइव नहीं कर सकती, तो क्या आप उनका विरोध करते हैं, या फिर क्या आप ऐसी बातों को हंसी में उड़ा देती हैं या चुपचाप उनकी बात से सहमत हो जाती हैं? क्या आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम दिखती है? हम समझ सकते हैं कि ऐसी बात सिर्फ एक मजाक है जिसे मजाक के रूप में ही लिया जाना चाहिए, लेकिन हम आपको साफ साफ बता देते हैं कि सेक्सिज्म कभी भी मजाकिया नहीं होता। जब आप ऐसी चीजों पर हंसते हैं, तो दरअसल आप समाज की उस गहरी सोच में अपना योगदान करते हैं जिससे ये त्रस्त है। चाहे वो आपके माता पिता हो, भाई बहन, दोस्त या फिर खुद आप, सेक्सिज्म सेक्सिज्म ही होता है। आपको याद तो होगा ही जब इवांका ट्रंप ने महिलाओं के मुद्दे पर अपने पिता डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया था, तब बहुत गुस्सा आया होगा ना। इसलिए इवांका ट्रंप मत बनिए। सिर्फ फेमिनिज्म के नाम पर किसी भी बात पर उंगली ना उठाएं। मान लीजिए कि आपकी गर्ल गैंग ना सिर्फ इसलिए आपका मजाक बनाया क्योंकि आप सेक्सी कपड़े नहीं पहनती, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल भी सेक्सिस्ट बयान नहीं है। लेकिन अगर आपने उस बात को दिल पर ले लिया और जवाब में कहा लेकिन दोस्त की फेमिनिज्म नहीं है, तो आपने अपना मजाक खुद ही बना लिया। आपको पता है कि ये सिर्फ एक फैशन के लिए सलाह थी,
हो सकता है कि ये सलाह कुछ कठोर लहजे में दी गई हो, लेकिन इसका मकसद आपको नीचा दिखाना कतई नहीं था। चलिए हम आपको एक और उदाहरण देते हैं। क्या आपने कभी किसी को किसी महिला का मजाक बनाने या उस पर भद्दे कमेंट करने के लिए झाड़ लगाई है, लेकिन शर्टलेस आदमियों के लिए खुद वही कमेंट आपने पास किए हो? अगर हाँ, तो यही होता है फेमिनिज्म का दिखावा करना। अगर आपको लगता है कि महिलाओं के शरीर को लेकर भद्दे कमेंट करना गलत है, तो उसी तरह पुरुषों के शरीर पर भी कमेंट करना गलत है। दूसरे की पसंद आपकी पसंद से ना मिले तो दिक्कत। एक मजबूत स्वतंत्र महिला होने का मतलब हम समझते हैं जो अपनी रोटी खुद कमाती है और इस पर गर्व करती है। लेकिन अगर कोई महिला गृहिणी होना चुनती है तो उसे एक कमतर महिला नहीं माना जा सकता। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब आप दूसरों के पसंद नापसंद के बिना पर उनके बारे में अपनी राय बनाते लगते। ये पूरी तरह से उनका फैसला है कि आपने लिए वो गृहिणी बनना पसंद करती है फिर या फिर एक कामकाजी महिला हो। सिर्फ इसलिए कि उसकी पसंद आपके पसंद से मेल नहीं खाती, वो गलत साबित नहीं हो जाती। आपको पता होगा कि हर किसी को अपना करियर बनाने लायक पढ़ाई नसीब हो जरूरी नहीं। कुछ लोग जितना चाहें उतनी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन नौकरी करना नहीं चाहते, ये भी उनकी ही पसंद है। हाँ, अगर कोई उन्हें उनकी नौकरी छोड़ने के लिए विवश करता है तब दिक्कत है। पुरुषों के भी रेप होते हैं ये बात मानने से इनकार करना, ये भी दिखावटी फेमिनिज्म है। जी हाँ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज क्या सोचता है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि पुरुषों के भी बलात्कार होते हैं। भले ही कानून की नजरों में ये सच्चाई ना हो, लेकिन पीड़ित के लिए ये कड़वी सच्चाई है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यौन अपराध किसी जेंडर के द्वारा परिभाषित नहीं होते हैं। इसी तरह अगर कोई पुरुष रोता है या फिर अपनी भावनाओं को दिखाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है। आखिरकार हमारे यहाँ महिलाओं की तरह पुरुषों पर भी एक डिफाइंड तरीके से रहने और व्यवहार करने का दबाव होता है। इसलिए अगर कोई पुरुष संवेदनशील नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कमजोर है। वो भी हर इंसान की ही तरह आम इंसान है और उसे भी अपने ढंग से व्यवहार करने का पूरा अधिकार है। तो इसलिए अब आगे से आप पर पागल मत बनिए और फर्जी फेमिनिज्म के झंडे मत बुलंद कीजिए। इस शब्द को समझें, इसके बारे में थोड़ा पढ़ें और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे किसी हथियार की तरह प्रयोग ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो दर्शकों, यह है फेमिनिज्म की पूरी कहानी। सुनने में लगेगा कि कितनी सिंपल सी, सुनने में लगेगा कि कितनी आसान, आसानी से समझ में आ जाएगी, लेकिन नहीं। ये एक वायरस है जिसकी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई भी वैक्सीन नहीं। और ये वायरस अगर एक बार घर कर गया, अगर एक बार किसी जहन में घुस गया, तो उस प्राणी को ये मानसिक रूप से एडजस्टेबल कर देता है। जिसका कांटा कभी भी घूम सकता है, जिसका कांटा कभी भी बैक घूम सकता है, यह उस पोजीशन पर लाकर खड़ा कर देता है जिस पोजीशन पर चौराहे पर प्रियदर्शनी ने एक लड़के को 22 थप्पड़ मारे और उसके बाद उन्होंने कहा कि मानसिक रूप से परेशानी। तो यह वो कहानी है जो बताती है कि किस तरीके से इस वायरस से लड़ने की जरूरत है। हमने कोरोना की पहली वेव से लड़ा, कोरोना की दूसरी वेव से लड़ा, लेकिन इस वेव से भी लड़ने की जरूरत है। और इसकी वैक्सीन अब आ चुकी है, क्योंकि अब यह कैंपेन रुकने वाला नहीं, यह कैंपेन थमने वाला नहीं, और इस कैंपेन को लगातार जारी रखा जाएगा। फोन लाइंस लगातार ओपन। न्यूज वर्ल्ड इंडिया का यह कार्यक्रम भारत एट 9, इसमें दर्शक लगातार हमसे जुड़ रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, हमें तमाम तरीकों से, मेल से, ट्विटर से मैसेज कर रहे हैं, हमसे लगातार फोन से जुड़ रहे हैं। हम उनकी बातों को सुनते हैं और उन पर रिपोर्ट करते हैं। इससे पहले कार्यक्रम में मैंने दिखाया था कि कैसे एक पुरुष, उसकी पत्नी उस पर झूठा दहेज का मुकदमा लगाने की बात कर रही है और वो परेशान है। उसकी कहानी हमने अपने प्रोग्राम में दिखाई। और मैं तमाम उन मर्दों से यह बात कहता हूं, उन पुरुषों से, कि जो सच में पीड़ित हैं, वो आकर हमसे बात करें, हमसे जुड़े। और चूंकि कार्यक्रम में कई तथ्य, कई बातें भी रखनी होती हैं, इसलिए फोन लाइंस जो कॉल्स हैं वो कार्यक्रम के दौरान कई कम ले पाता हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि एक फोन ले लूं। पीसीआर से कहूंगा
जो भी अभी एक्टिव हो, जो भी कॉल एक्टिव हो उसको जोड़िएगा जरा। तो हरियाणा से सुमित हुड्डा जुड़ गए हमारे साथ। तो हरियाणा से सुमित हुड्डा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या हाल है सुमित जी आपके? धन्यवाद कविंदर जी, मैं सुमित हुड्डा बोल रहा हूँ सोनीपत से जी। और आपके प्रोग्राम में काफी दिनों से मैं ट्राई कर रहा था फोन मिलाने के लिए, पर फोन वेटिंग पे जाता रहता है जी। सुमित जी इसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगूंगा। सुमित जी, दरअसल ये फोन लाइंस खोलने का इतना मतलब है कि हमारी जो टीम है वो लगातार बैकएंड पे काम करती है, लगातार जो कॉल्स आती हैं उनको रिपोर्ट किया जाता है, उनको लिखा जाता है, और फिर जिस पर महत्वपूर्ण विषय जो होता है जो उनमें से छांट रहे हैं हम लोग, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कॉल्स को लिया जा सके और लाइंस बिजी ना हो, क्योंकि संसाधन सीमित है। सुमित जी, 4 से 5 लाइंस हैं हमारे पास, तो हम कोई बहुत जो बड़े चैनल्स जो दिखते हैं आपको उनकी तरह हमारे पास 85 लाइंस नहीं है, लेकिन हमारे पास 5 लाइंस हैं जो इस वक्त खुली हुई हैं। 5 लाइंस हम कोशिश करते हैं लगातार, और मेरी जो टीम पीछे बैठी हुई है वो सब नोट डाउन करती है, तो इसलिए अगर फोन लाइंस बिजी जा रही हैं तो इसका यही एक मुख्य कारण है। बाकी जो लोग जुड़ रहे हैं वो अपनी जो तकलीफें अपनी परेशानियां वो रिपोर्ट करते हैं और बाद में मुझको बताते हैं। सुमित जी, कविंदर जी, मेरा कहना ये है, सिर्फ आपने जो ये कैंपेन पकड़ा है ना, ये बहुत अच्छा कैंपेन पकड़ा है, आप इस पर लगे रहिए। और मैं भी देखता हूँ कि बहुत सी आसपास मेरे पास भी, मैं हरियाणा में रहता हूँ सोनीपत में, मैं भी देखता रहता हूँ, यहाँ पे बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो गलती करती हैं, बेवजह मर्दों को बदनाम करती हैं और फिर सीना चौड़ा करके खड़े हो जाती हैं कि हमने कोई गलती नहीं की। वो अपनी गलतियां कभी नहीं मानती हैं और ये कैंपेन आपकी बेस्ट है जी। सुमित जी, आप हैं तो हम हैं, ये जो लोगों का साथ जो मिलता है ना सुमित जी, यही हमको दरअसल खुशी देता है। और जो लोगों का साथ, जिस संख्या में लाखों लोग जिस संख्या में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिस लाखों की संख्या में लोग जो हमसे जुड़ रहे हैं और लगातार जुड़ रहे हैं, और आप लोग जो हैं वो मेरी शक्ति हैं, आप लोग जो हैं वो मेरी ताकत हैं। सुमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप हमारा कार्यक्रम देखते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और आपने जो कुछ कहा। लेकिन सुमित जी, एक और सवाल पूछना चाहूंगा, क्या हरियाणा में अभी हमको देखा जा रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार से तो लगातार बात हो रही है, हरियाणा में भी देखा जा रहा है? हाँ, हरियाणा में भी काफी जगह आपको देखा जा रहा है जी। और हरियाणा में कैसा है, क्या हरियाणा का क्या रिस्पॉन्स है? हरियाणा का अच्छा रिस्पॉन्स है सर आपके चैनल के, और खासकर इस प्रोग्राम के लिए आपका बहुत अच्छा आभार प्रकट होता है जी। सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग ही शक्ति हैं, आप लोग ही ताकत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी और जुड़ने के लिए हमसे। तो जैसा कि हुड्डा साहब थे हमारे पानीपत से, तो हमको बता रहे थे कि लोग जुड़ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, हालांकि इन्होंने बस अपना एक व्यू रखा है, पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। तो जिन लोगों की जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, फोन लाइन अगर बिजी जाती है तो उसका मतलब ये मत समझिए कि बिजी क्यों जा रहे हैं। हमारे पास 5 फोन लाइन्स हैं, 5 लाइन्स हैं, तो आप उन पर कॉल कर सकते हैं। जब भी पांचों में से कोई भी फ्री होती है आपकी कॉल लग जाएगी, और कॉल लगते ही जो भी शख्स फोन उठाता है आप उसको पूरी स्टोरी बता सकते हैं, पूरी कहानी बता सकते हैं, और हमसे सीधे जुड़ सकते हैं, मुझसे सीधे जुड़ सकते हैं। तो दर्शकों, आखिरी पॉइंट पर छोड़कर जाता हूं कि हमको अपने देश की आधी आबादी, हमको अपने देश की महिलाओं बेटियों को एक चीज सिखानी होगी कि देयर इज अ वेरी फाइन लाइन, ये बहुत ही फाइन लाइन बीच में है। इस तरफ फेमिनिज्म का दिखावा है, शो ऑफ है, और इस तरफ नारी शक्ति की आवाज है जो देश को आगे बढ़ाती है, परिवार को आगे बढ़ाती है, कुंबे को आगे बढ़ाती है, और आखिर में एक राष्ट्र निर्माण में बहुत अहम किरदार निभाती है। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए शुक्रिया, गुड नाइट।